राइट गाइस, तो अभी मैं खड़ा हूँ, तो जो भी कहो मज़ा तो गाइस। तो मैंने बेंगलुरु जंक्शन से The next morning. Moments later. ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ गाइस, मेरी आग शोहनूर जंक्शन पे ही खुली थी, पर ट्रेन की आवाज़ इतनी थी कि मेरी ऑडियो में क्लियरिटी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। हम लोग आ चुके हैं शोहनूर जंक्शन एट 7:10 AM, और सीरियसली बताओ 7 बजे भी यहाँ पे इतनी भीड़ थी, और जो सुबह सुबह उठ के मौसम था ना, बहुत अच्छा था। और अभी देखते जाइए वीडियो में, आपको ये सेकंड पार्ट भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना फर्स्ट पार्ट था। तो चलिए, तो हम लोग हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। सदा विंडो सीट पे ही बैठी है। रुक गई ट्रेन, रुक गई शेगा। यहाँ पे क्या मना? दलेश्वरी स्टेशन पे ये ट्रेन हम लोगों को क्रॉस कर रही है। ट्रेन का नाम मेरे को मालूम नहीं, पर ये जा रही है चेन्नई से मैंगलोर, या फिर मैंगलोर से चेन्नई जा रही है शायद। यस हाँ सॉरी, क्योंकि मैंगलोर आगे है अभी। लगता है हम इसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, और अभी हमारी ट्रेन खड़ी है तलेश्वरी रेलवे स्टेशन पे।
प्लेटफॉर्म उस तरफ है लगता है, और हमारा सिग्नल अभी भी रेड है। जो भी कहो मज़ा तो बहुत आ रहा है। और सच में एक बात बोलूँ तो मैं अब भी उठा सीरियसली, मम्मी मेरे को कब से उठा रही थी, बट ट्रेन में जो नींद आती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है। मैं सोच रहा था एर्नाकुलम जंक्शन पे, सॉरी जंक्शन नहीं, टाउन पे उतर के हम लोग थोड़ी बातें करें। विसिल हो गया है, पता नहीं ट्रेन चालू होगी क्या नहीं। ओ हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, चलो आपको दिखाता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर का झटका देती है गाइज ये ट्रेन चालू होते वक्त। शिट, मैं सीरियसली पीछे चला गया। ओके गाइज, हम लोग एक्चुअली, हमारा जो कोच है ना वो फिफ्थ लास्ट कोच है, तो जो भी है ना, मतलब ट्रेन अगर बहुत ज़्यादा आगे जाएगी तभी हम लोग भी आगे जाएंगे। हमारे कोच के पीछे सिर्फ दो कोच ज़्यादा है और कोई कोच नहीं है। HA1 बहुत पीछे है, और ये है तेलेशेरी जा रहा है, देखो बाय। एक ही मिनट का हॉल्ट है, ज़्यादा हॉल्ट नहीं है, और मैं कुछ स्टेशन स्किप करूँगा जो मुझे लगेगा कि स्किप करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी मेन स्टेशन आपको कवर करूँगा और फूड के बारे में हम सबको बात करेंगे। देखो यार पूरी ग्रीनरी देखो पहले आप, कितना अच्छा है ना। तेलेशेरी से एंटर करते वक्त भी कितनी अच्छी खासी ग्रीनरी थी, और उसके स्टेशन से बाहर भी निकलते तो भी देखो क्या ग्रीनरी है। चलो अभी जल्दी से चलते हैं। अभी वक्त हो रहा है 9:48 को कन्नूर आई है ये। ऑलराइट गाइस, तो हमारी ट्रेन अभी आई है 9:48 को, आ रहा है ये कन्नूर आने का वक्त था कुछ 9:57, उससे 10 मिनट पहले ये ट्रेन आ गई है यहाँ पे, और इसका डिपार्टिंग टाइम अभी 10 बजे करेक्ट 10 को। पता नहीं अभी शायद रुकेगी 10 मिनट यहाँ पे, अपने टाइम से बिफोर आई है, 10 मिनट्स बिफोर आ चुकी है यहाँ पे। अच्छा है अभी तक ऑन टाइम ही है, बहुत कम स्टेशनों पे अभी तक डिले हुआ है, नो डिले पे ही चल रही है हमारी ट्रेन और सत्तर तक मजे करते तो जल्दी से अभी देखते हैं डिपार्चर कब होता है, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, शार्प 10 PM ट्रेन डिपार्ट हो रही है कन्नूर से। खड़ी रही गाइस 10 मिनट पक्का खड़ी रही यहाँ पे अपने टाइमिंग को स्टेबल करने के लिए।
गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं कासरगोड, और कासरगोड पे इसका टाइमिंग है कुछ 10:59 PM को पहुंचने का इसका वक्त है, पर ये 10:57 को पहुंची, अपने टाइम से वापस पहले पहुंच गई, और 11 बजे तक इसका डिपार्चर होगा। तो जल्दी से अभी 10:57 हो रहे हैं, तो रुकेगी 3 मिनट तो आराम से। और सद्दा देखो, ये बहुत बदमाशी कर रही है, खाना नहीं खा रही है। मम्मा, मेरा बच्चा है। तो चलो जल्दी से आपको मिलते हैं, अभी नेक्स्ट हॉल्ट पे इसका हॉल्ट होने वाला है शायद मैंगलोर जंक्शन। यस, मैंगलोर जंक्शन आने वाला है अभी, तो जल्दी से मिलते हैं। थैंक यू फादर। चलो अभी मैं मन करता हूँ, बाय 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 करो, बाय बाय। खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि सादत कुछ भी नहीं खा रही है। देखो शगो, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और अभी मैंगलोर जंक्शन आएगा, ये केरला का लास्ट स्टेशन था जो था। अब केरला से हम लोग बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट करने वाले हैं कर्नाटका। तो उम्मीद है थोड़ा सा अजीब फील भी हो रहा है कि हम सच में केरला को छोड़ रहे हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, घर की भी याद आ रही थी तो इसीलिए। सद्दो को तो पूरी नींद आई है, उसको देखता अभी ये खाएगी कुछ या फिर सोएगी, देखते हैं। चलिए गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं मैंगलुरु जंक्शन, और ये मैंगलुरु जंक्शन 15 मिनट पहले ही पहुंच गई है अपने वक्त से। इसका मैंगलुरु जंक्शन पहुंचते का वक्त है 11:55, पर ये पहुंची है 11:44 को, मतलब 10 मिनट पहले पहुंची। और इसका हॉल्ट यहाँ पे कुछ है 8 मिनट का, मतलब 18 मिनट तो अभी यहीं पे रहेगी ये गाड़ी, ठीक है। तो अभी जल्दी से देखते हैं कि अभी कब डिपार्ट होगी, अच्छा खासा स्टे करेगी यहाँ पे, क्योंकि अभी
शायद फिल्टर्स क्लीन होंगे, सब क्लीनिंग वीनिंग प्रोसेस यहीं पे होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताते रहूँगा एक एक करके, ठीक है? चलिए ओके गाइस, शॉप 12 को रवाना हो चुकी है हमारी कोचीवेली LTT सुपर फास्ट एक्सप्रेस मैंगलुरु जंक्शन से। और हमने यहाँ से कुछ खाने के लिए भी लिए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हम लोग ने लिया है खाने के लिए। ये सादत मैंगलोर जंक्शन, ऑलराइट गाइस। तो मैंने मैंगलुरु जंक्शन से यहाँ पे दो चिकन बिरयानी लिया था और एक वेज बिरयानी। तो ये देखिए, ये है चिकन बिरयानी और स्पून नहीं दिया, पिकल है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग सीरियसली मैंगलोर जंक्शन से निकल के बहुत टाइम हो गया है और ट्रेन बीच में बहुत बार 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 रुक रुक के चल रही है। रुकने की वजह ये है क्योंकि ये ट्रेन अपने टाइम से बहुत पहले आ चुकी थी अपने स्किपिंग स्टेशन पे, इसलिए स्किपिंग स्टेशन पे टेक्निकल होल्ड करके ये ट्रेन को रुकाया गया। और ऊपर से एक ट्रेन हमारे को क्रॉस करने वाली थी, वो क्रॉसिंग इतनी वेट हुई कि हमारी ट्रेन अभी लिटरली 30 मिनट्स डिले हो चुकी है, मतलब हाफ एन आवर डिले हो गई ऑलरेडी। अब देखते हैं कवर अप कब होगी। वैसे सादत तो देखो क्या कर रही है अभी, अभी फिलहाल हमारी सादत देखो प्रिंगल के मज़े उठा रही है। अभी तक कुछ खा नहीं रही थी, हमने जब अपना बैग खोला तो हमारे बैग से प्रिंगल लेके खुद खोल के खाने लगी। अच्छा लग रहा है प्रिंगल? प्रिंगल अच्छा लगता है तेरे को? और ये सद्दो का ये ड्रिंक है, ये सद्दो को ये बहुत पसंद है, सोया चॉकलेट फ्लेवर ड्रिंक सॉफ्ट लाइट सद्दो। और फिलहाल हम लोग अभी साइड लोअर पे बैठे हैं, एक खाली थी तो इसीलिए हमारी सीट के सामने ही है, तो इसलिए ऐसा बैठे हैं। कैसा लग रहा है मोमो? अच्छा लग रहा है। और ये नज़ारे देखो, यहाँ से मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे भी आपको रीडिंग लाइट प्रोवाइडेड है देखो, पर एक प्रॉब्लम है, ये सीट नंबर है 23-24 है। एक प्रॉब्लम है कि इस साइड पे जो है ना, इस साइड पे अगर आप बैठोगे तो आपको ये नहीं मिलता चार्जिंग पोर्ट। अगर आप उस साइड पे बैठोगे तो वहाँ पे देखो एक चार्जिंग पोर्ट है और एक ऊपर अपर बर्थ पे चार्जिंग पोर्ट है। अपर बर्थ पे भी देना चाहिए और यहाँ पे भी रेलवे वालों को देना चाहिए था, अगर कोई ऐसा यहाँ पे बैठा है तो उसका भी फ़ोन चार्ज हो सके। पर इधर रीडिंग लाइट है और रीडिंग लाइट उधर नहीं है, तो मेरे ख्याल से रेलवे वालों को शायद से दो रीडिंग लाइट अगर ऐसा ऐसा दे देते अलग अलग लोगों के लिए तो अच्छा रहता। पर सद्दो को तो देखो मजे कर रही हो तो बिग थिएटर स्क्रीन पे कैसे लग रहा है मीमी को? और मैं अभी सीरियसली, हमने कुछ स्नैक्स लाया था तो स्नैक्स खा रहा हूँ मैं। और अभी जैसे ही अभी नेक्स्ट हॉल तो उड़ीपी है, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। ये ब्रिटानिया का पोटैटोज है, मिंट मैजिक, ये मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने लिया था ये। और ये मैंने थोड़ा चॉकलेट के लिए यहाँ पे कैडबरी चोको बेक्स लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा अच्छे है ये। और ये सत्तो का ड्रिंक है और आइसू भी अभी वही चिप्स विप्स खा रही है, वो अपर बर्थ पे बैठी है, ठीक है? ये हमारा बर्थ है, देखो पर्दा लगा हुआ है, ये हमारा ही बर्थ है, वो उधर बैठी है। तो अभी जल्दी से खाना इंजॉय करते हैं नज़ारों के साथ। लाइक दिस वीडियो गाइज। उड़ीपी रेलवे स्टेशन, तो अभी आ चुका है उड़ीपी। और उड़ीपी में हम लोग को आने वाले थे 1:30, क्या बोलते हैं,
1:30 पे, पर अनफॉर्चुनेटली हम आए हैं 1:50 पे, क्योंकि 20 मिनट ट्रेन डिले है। 10 मिनट्स कवर कर लिया ट्रेन ने और अभी देखते हैं कैसा है। और साथ देखो मेरा भी, मेरे में से भी लेके खा ली, उसका प्रिंगल्स ख़त्म हो गया। तो शको ओके गाइज, वी आर डिपार्टिंग आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट में ही डिपार्ट हो चुका है। और साथ देखो अभी अपनी ड्रिंक पी रही है, सब पी रही है ये तो। और ये उड़ीपी रेलवे स्टेशन है। ये देखो आ गई मम्मी, ने मेरे को भेजा है मदद करने के लिए। तो गाइस अभी हमारी ट्रेन जो है वो निकली है उड़ीपी से, और अभी हमारी ट्रेन बढ़ रही है पटकल की ओर। अभी पटकल का पहुँचने में बस 18 मिनट बता रहा है मेरा ट्रेन एप्लीकेशन, और तब तक के लिए नज़ारे इन्जॉय करो। काफ़ी ज़्यादा मस्त मस्त नज़ारे आ रहे हैं। मैं आपको है ना अभी आउटिंग नज़ारे दिखाऊंगा, बाहर के नज़ारे, मतलब जितने भी पहाड़ माउंटेन जितने भी है, क्योंकि फुल ग्रीनरी जो केरला कर्नाटक में थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं दूसरी स्टेट में, तो जल्द से जल्द अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छे वन में हम लोग पहले आते हैं। जल्दी से अभी हम लोग देखते हैं, बताते हैं। ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अलीज़ा व्लॉग्स। इसका Part 3 बहुत जल्दी आएगा, और आपको उम्मीद है आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, इन विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो बी सेफ, बी अलर्ट।